और आइए आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म और देवी देवताओं को अपशब्द कहने वाली इस्लामी कट्टरपंथी महिला हीर खान को प्रयागराज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद से ही हीर की गिरफ्तारी की मांग उठ रही थी और इसी से ये अपने एक रिश्तेदार के घर छिपी बैठी थी। यूपी पुलिस की गिरफ्त में खड़ी इस लड़की का नाम है सना उर्फ हीर खान। इसके दिलो दिमाग में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जो जहर भरा है उसने इसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। प्रयागराज की रहने वाली हीर खान ने कुछ दिन पहले YouTube पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें इसने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बेहद अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा इसने अयोध्या को लेकर भी काफी जहर उगला था। हीर खान ने अपने वीडियो में देवी देवताओं पर टिप्पणी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था उसे हम आपको सुना भी नहीं सकते। तो सुनो अंकुर आर्या, सुनो हिंदू, सुनो जितने भी सारे काफिर हैं सब सुनो सीता। खुद को इस्लाम का रक्षक बताने वाली हीर खान ने अपने वीडियो में धमकी दी थी, अगर इस्लाम के खिलाफ कोई कुछ कहता है तो मुसलमान चुप नहीं बैठेगा। इतना ही नहीं, इसने खुद को पकड़ने की चुनौती भी दी थी। उधर सोशल मीडिया पर जैसे ही इसका ये वीडियो वायरल हुआ तूफान खड़ा हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद से ही सोशल मीडिया में इसकी गिरफ्तारी की मांग उठने लगी, जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर इसकी तलाशी शुरू की तो पता चला ये अपने किसी रिश्तेदार के घर छिपी बैठी है जहां से पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। ऐसे सभी अराजक तत्वों को मैं सावधान कर दूं कि जो कोई भी किसी वर्ग विशेष की भावनाओं को आहत करने का प्रयास करेगा या दो वर्गों के बीच वैमनस्य फैलाने का प्रयास करेगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब हीर खान ने अपनी जहरीली सोच और शब्द YouTube पर अपलोड किए हों। बेंगलुरु में विवादित पोस्ट के मामले में भी ये जहर उगल चुकी है। हीर खान खुद को कौम का नुमाइंदा कहती है, सुनिए वो किस तरह मजहब के नाम पर जहर फैला रही थी। जिनके घरों में जो चिराग बुझे हैं ऐसे चिराग पे हम मतलब कुर्बान जाए, हमारी आने वाली नस्लें ऐसी शहादत पे कुर्बान जाए, ऐसी शहादत अल्लाह पाक रब्बुल इज्जत हमारे नसीब में लिख दे। हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जो शान में गुस्ताखी करते हैं उनके लिए आवाज उठाते हम शहीद हो, हम ऐसी मौत चाहते हैं। समय रहते पुलिस ने इस जहरीली सोच वाली लड़की को गिरफ्तार नहीं किया होता तो ये आगे भी इसी तरह उन्माद फैलाने का मंसूबा पाले हुए थी। आपको बताते हैं जब भारत से कोरोना जाने लगेगा, जब लॉकडाउन पूरी तरीके से खुल जाएगा, हमने आगे का प्लान क्या बनाया? जहां हम रहते हैं वहां के थाने का हम घेराव कराएंगे, अकेले दम पे भूख हड़ताल करेंगे, जितना हमसे हो सकेगा वहां लड़ेंगे बिना पुलिस को टारगेट किए हुए, बिना बेकसूरों को टारगेट किए हुए, और अपने पुलिस प्रशासन से ये डिमांड करेंगे कि जो इसको मेरे हवाले करे उसका हम, और हम आपके संविधान में कुछ नहीं होने देंगे, हम कहीं नहीं भागेंगे, हम दाऊद इब्राहिम, हम ऐसे लोग नहीं है कि हम कुछ भी करके भाग जाए, नहीं, आपके नजरों के सामने गुस्ताख रसूल का और आपको गिरफ्तारी उसी वक्त देंगे। इसके दिमाग में इतना जहर कैसे आया? क्या इसके पीछे किसी और का दिमाग है? क्या ये सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? अब पुलिस इसकी जाँच कर रही है।